इसे कहते हैं बाइक की असली सफाई। मुंह तो दिखा दो अपना। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइज। जब भी मैं किसी भी टूर पे निकलता हूँ तो बाइक को पर्सनली चेक करता हूँ, साफ सफाई करता हूँ और प्रॉपर तरीके से चेक करके ही निकलता हूँ। ये आप लोग को भी करना चाहिए। तो अभी सुबह सुबह मैं निकल गया हूँ घर से, क्योंकि जल्दी पहुँचना है और घर जाके फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई नाश्ते में क्या मिलता है या क्या। वैसे गाँव का ना बेस्ट रहता है, सब कुछ बेस्ट रहता है, इन्वायरमेंट बेस्ट रहता है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ का वेदर या वहाँ का खान पान, वहाँ सब कुछ बेस्ट है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आज, रास्ता सेम ही है, जिस रास्ते से मैं पहले गया था वही रास्ता है। तो मिलते हैं डायरेक्टली गाँव में। आगे हैं हम घर पे। ये है नोनी घी और सब्जी बनी हुई है, लस्सी है और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या काम है आगे। ज्यादा जोर लग रहा है इसमें, हल्की चल रही होगी। पर ये अच्छा है, हरा घास है ना तो कट जाएगा फटाफट। पहले क्या होता था कि बिजली कम आती थी, गंडासे भी नहीं थे तो हाथ से ही काटना पड़ता था। उसका बेनिफिट ये था कि एक्सरसाइज हो जाती थी, बहुत अच्छी थकावट होती थी और खाना पीना खा पी के आप तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन अब वो नहीं है, बिजली आती है फटाफट घास कट जाता है। चलो ठीक है, आफ्टर सम टाइम मैं भी देखता हूँ कि कैसा लगता है घास काट के। अच्छा है, हल्की है, बर्फी है तो फटाफट कट जाएगी। और दूसरी तरफ बबीथर ने भी, नीरज ने, बबीत ने और मोहित ने मिलकर भी घास काट लिया है, जो उन्होंने बिजली की गिंडासे से काटा है। मैंने भी ट्राई करके देखा, हाँ हालांकि थोड़ी थकावट सी हुई है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने गिंडासा चलाया। यहाँ पर हम ही चलाते थे और ये सब छोटे छोटे थे, आज ये मेरे से भी तगड़े लंबे हो गए हैं। खैर, गाँव का खान पान अलग है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण सब अलग है। एक्सचेंज बहुत सारी चिट चैट, बहुत सारी मस्ती, साथ साथ में काम करना मिलजुल के, ये गांव में खेतों में ये यहाँ ही हो सकता है। शहरों में ये सुविधा अब ख़त्म हो गई है, मतलब लोग मिलजुल के नहीं रहते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं तो अलग अलग, किसी का दिल मिलता है किसी का नहीं मिलता है, कोई किसी काम में हेल्प करता है कोई नहीं करता है। लेकिन ये सब गाँव में मिल जाता है, आपस में मिलजुल कर काम करने वाला रिवाज आज भी आ गया। लेकिन घास काट के बहुत थक गया हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मजा इधर बैक पेन हो गया, हल्का सा खा गए दोनों। आजा 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 वो आ गया, भूखे बैठ गए। ये थोड़ा शर्माता है, ये शर्माता स्मार्ट। हाँ ये तो फ्रेंड भी है मेरा, मस्त वाला फ्रेंड है। उधर पीछे विकास लगा रहा है, अब साफ करेगा, झाड़ू वाड़ू लगाएगा। चलो अब हम चलते हैं घर, है भाई काम हो गया। उसके बाद आ गए हैं दोपहर का खाना खाने, घी बूरा कड़ी चावल, बस मस्त एकदम नया स्वाद एकदम चेंज। और उसके बाद आप देखोगे ना, चलेंगे खेत में और दिखाऊंगा आपको कि बच्चे भी कैसे काम करते हैं हमारे साथ साथ। और मैं इन तीनों को लेकर के साथ में आ गया हूँ खेत में, और ये तीनों भाई साहब चढ़ गए पेड़ के ऊपर, जो है सैतूत का पेड़। एक से तो चढ़ा नहीं जा रहा है, एक ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो इनका जो ये सैतूत खाने का वीडियो है, ये तो मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में बना करके। अभी जब हम घर जाएंगे
तो मतलब देखने से मालूम पड़ेगा आपको कि इन लोग भी भाई साहब बहुत सॉलिड बच्चे हैं, बहुत ही सॉलिड। गांव के बच्चे ऐसे ही तो तगड़े हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज साथ साथ करते हैं। तो जैसे देखो इन लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो कल हमने किया था वो आज ये कर रहे हैं खुद, और ये खुशी खुशी से कर रहे हैं। इनको ये नहीं है कि भाई हमसे चलेगा कि नहीं चलेगा, इनको करना है ये। तो इसी तरह से देखा देखी बच्चे भी सीख जाते हैं, उनकी सेहत भी बनती है और एक्सरसाइज भी होती है। और ये जो एक्सरसाइज है ये शहरों के बच्चे नहीं करते हैं, उनको तो सिर्फ फोन दे दो। हालांकि गांव में भी अभी ये रिवाज आ गया है, फोन लेकर के बच्चे घूमते रहते हैं, बट अगर इनसे आप काम कराओगे ना तो ये भी काम कर जाते हैं। और शहरों के बच्चों को ये काम नहीं होगा, या ऐसे छोटे मोटे हल्के हल्के से काम भी नहीं कर पाएंगे। अब जब छोटे छोटे बचपन से ही काम करने की आदत डालोगे तो ही तो बच्चे करेंगे, और ये पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी काम करने में। बस इसी तरह से गांव के बच्चे ज़्यादा लंबे तगड़े और चौड़े हो जाते हैं खा पी के, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज करते हैं और फिर उनका खाना अच्छे से हजम हो जाता है, वो अच्छे से सोते हैं भले ही चाहे वो यहाँ वहाँ कुछ भी करते फिरे। और शहरों के बच्चे क्या होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, वो अपने फ्लैट में या तो घरों में ही रहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा गली में जाके खेल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए, या बचपन से उनके अंदर में ये सब भरना चाहिए। देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका इम्यूनिटी सिस्टम, इनका जो विल पावर है वो बहुत सॉलिड हो जाएगा। और ये हमें खुद ही सिखाना होता है, जैसे हमें हमारे बड़ों ने सिखाया था काम करना, वैसे ही अब हम इनके सामने करते हैं तो ये खुद ब खुद लगे रहते हैं काम करने के लिए। तो यही होता है जनरेशन टू जनरेशन, क्या पास करते कैसे संस्कार देते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताना, और किस किस ने ये सब काम किए हैं खेतों में जाकर, या गिंडासे के काम, या गाय भैंसे पालन पोषण, या ऐसे सारे काम। हम लोगों ने तो बहुत कुछ किया है, खेतों में खाद वाद डालते थे, गन्ने ले जाते थे, गन्ने भरते थे, और क्योंकि खेतों से रिलेटेड है तो बहुत हैवी काम होता था, लेकिन तभी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि ये तो यार रोज़ का रूटीन है, तो तभी हमें इतनी वो नहीं थी कि भाई क्यों कर रहे हैं हम इतना हैवी काम। लेकिन आज मालूम पड़ता है कि शहरों में और गाँव में क्या डिफरेंस है, बच्चे कैसे ग्रोथ होते हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैसे उनको एक्सरसाइज करा करके अच्छी डाइट दे दो तो उनकी हाइट और उनका शरीर और उनका मन बुद्धि और शरीर कैसे एकदम सॉलिड हो जाता है, तो वो सब गांव में इस तरह की ट्रेनिंग से हो जाता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।